हेलो, तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आ सीखने वाले हैं एक टेंथर्स के लिए, यानी जो बच्चे 10th में हैं या तो 12th में हैं। लाइट का एक अच्छा सा प्रूफ जो मैं लेकर आया हूँ वो F बराबर R/2 है। हर बंदे को ज्ञान देगा, हर बंदा या बंदी को ज्ञान देगा, उसको सीखना जरूरी है। आप यदि 12th में तो भी आपके लिए जरूरी है, 10th में तो भी आपके लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा इसको टॉपिक जो है, यानी कि हम लोग को प्रूफ करने वाले हैं लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है, जिसमें हमें पढ़नी है प्रूव दैट। प्रूव दैट टॉपिक है F=R/2 होता है, ऐसा कुछ हमें समझना है। वेयर एफ जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। अब फोकल लेंथ इसको कह सकते हैं, और जो आर जो होगा वो रेडियस ऑफ क्या होगा? कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हम किस लेंस पर प्रूफ करने, अथी किस मिरर पर प्रूफ करने वाले हैं, वो है कनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं, वो आप नॉर्मल चीज है। तो जल्दी से उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो लेट सबसे पहले फिगर देख लीजिए। ये रहा आपका वो मिरर, कनकेव मिरर। अब ये चीज है जिसमें आपको यूज करना है फोकस। तो सबसे पहले एक पैरेलल रेज को ले जाकर यहाँ फोकस पर आपको इंड करना पड़ेगा। काट कर नीचे भी निकले लाएगा, बट उसको हमको जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये फोकस अगर होगा होगा तो हम इस वाले टर्म्स को रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेंगे और इसे हम मिला देंगे इसमें ले जाके। ठीक है, इसमें आके ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये जो बनेगा आई बनेगा इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कट करेगा तो आई आर बन जाएगा। आप इसको अल्फा मान सकते हो और इसको बीटा मान सकते हो, और ट्रायंगल का नाम दीजिए ए, और ये पी पॉइंट है आपका, ओ है, सॉरी ए तो पॉइंट है ही, सी एफ दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक नया चीज सीखना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। क्या हमें सीखना पड़ेगा? एक 11th का कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि इस वाले टर्म्स को हम कहते हैं अर्क। क्या बोलते हैं? अर्क बोलते हैं। और अर्क में क्या होता है, इसको एल बोला जाता है। ए आर है, ए बी आर है। अब ए है, ओ है, और क्या है? बी है। तो ए बी जो है अर्क है। ए बी जो आप देख रहे हैं वो क्या है? अर्क है, माइनर अर्क है, माइनर अर्क कह सकते हैं इसको। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है जो कि 11th में पढ़नी है, थीटा बराबर एल बटे क्या आर पढ़नी। आप भी सीख सकते हैं, अगर आपको सीखनी है, ललक है आप में, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस में आपको इसके लिंक दे दूंगा। पहले आप ये देख लेना, तभी ज्यादा समझ में आएगा। एक बार सीख लोगे तो हर में काम आएगा, हर वीडियोस में, हर प्रूफ में। तो चलिए क्लियर करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। तो यार ए हो गया, अब इसका मतलब एंगल इज इक्वल टू क्या सीखे हम लोग? एंगल इज इक्वल टू हम लोग सीखे अर्क लेंथ ऑफ अर्क, अर्क लेंथ अब बेटा क्या सीखे? रेडियस सीखे हम, इसकी बात कर रहे थे। चलिए, तो हमारा ए तो रहा कुछ ज्ञान की बात है जो हमने प्रूफ किया। अब हम चलते हैं अपने इस टर्म में प्रूफ पर। तो इसके लिए ट्रायंगल आपको देखना पड़ेगा। कौन सी ट्रायंगल में? तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि ट्रायंगल आपका एक है ए सी एफ। ए सी एफ में आप क्या देख रहे हो? ए सी एफ में आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले आपको अर्क ही तो मिलानी है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है अल्फा। ओके, अगर आप रखोगे अल्फा इज इक्वल टू, तो आप जानते हो कि ए अर्क की तरह काम कर रहा है, तो एपी जो होगा अर्क होगा, और अल्फा के लिए तो यहां तक आना पड़ेगा, सीपी तक अल्फा के लिए। बट अल्फा बराबर है आपको आई प्लस आर, नॉट बीटा इज इक्वल टू है, अल्फा बराबर है आई। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि यहां पर आई है और यहां पर अल्फा है आपको। तो आप कह सकते हो कि और आई इज इक्वल टू एपी बटा क्या है? सीपी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए एफ पी में, ए एफ पी है
इसमें बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एपी बटा क्या हो जाएगा आपको पीएफ। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू है, बीटा इज इक्वल टू ध्यान से देखो दोनों है आई प्लस आर दोनों है और ये क्या है आपका बीटा है, तो हो जाएगा आई प्लस आर इज इक्वल टू ए पी बटा क्या हो जाएगा पी एफ। ओके, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब वन का वैल्यू टू में रख देनी है यानी कि यहाँ पर रख देनी है। अब इसको हम वी नो डेट कि आई इज इक्वल टू आर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं टू आई है तो टू आर लिख सकते हैं, टू आई बराबर ए पी बटा क्या लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं। आई होप कि सही है, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट, क्योंकि दोनों बराबर होता है तो यहाँ आई को आर को आई बना दिया और टू आई लिख दिया। अब इसका मान जो हमारे पास आई का वैल्यू है उसको इसमें रख देने का तो हो जाएगा टू इंटू ए पी बटा क्या हो जाएगा सी पी इक्वल टू हो जाएगा ए पी बटा पी एफ। क्लियर हो गया, ए पी कैंसिल हो जाएंगे, इस फिगर को हम हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, हमने डाटा को मिटार दिया यहां पर लिख दीजिएगा आई इज इक्वल टू आर, हमने प्रूफ किया टू बटे सी पी इज इक्वल टू में होगा वन बटे पी एफ। अब इसका थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि स्पेस एक कवर अप कर लिया, सॉरी टू बटे सी पी इक्वल टू वन बटे पी एफ। अब एक बात बताने का कि सर आपका यहाँ से यहाँ तक की डाटा को हम एफ बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे आर बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है सेंटर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता ना, तो टू बटा सी पी का मान कितना है, सी पी का मान आर है। ओके, और पी एफ का मान एफ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आर बराबर क्या होगा टू एफ होगा और एटलीस्ट हम लोग एफ बराबर क्या लिखेंगे आर बटे टू। तो कैसा लगा जरूर हमें रिव्यू दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस पार्ट्स में आपको दिक्कत है। आई होप कि आपको बहुत एंजॉयफुल वीडियो रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।